वंदे गोमातरम। आज हम ए टू मिल्क के बारे में बात करेंगे। अपनी जो देसी गाय है, भारतीय गोवंश है, काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर आसाम तक की अपनी जो खूंद वाली गाय है, अपनी जो देसी प्रजाति है, भारतवर्ष की प्रजाति है, ऐसी गौ माता के गाय के दूध के बारे में आज बात करेंगे। गाय का दूध संपूर्ण आहार है। सही मायने में जो आहार की आज की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ट्रेस एलिमेंट्स, ये सब की बात करते हैं। ये सब तो सभी अलग अलग मात्रा में अपने देसी गौ माता के दूध में है ही, लेकिन उसमें और विशेषतः गुण हैं जो सोमेटिक सेल्स हैं, जो एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल एक्टिविटीज़ हैं, जो ट्रेस एलिमेंट्स में गोल्ड से लेकर सिल्वर से लेकर के अलग अलग तत्व हैं, एंटीऑक्सीडेंट तत्व है, बायो एनहांसर एक्टिविटी है, ये सब जो इम्यूनो मॉड्यूलेट एक्टिविटी है, ये सब के साथ गाय का दूध सही मायने में यूनिक है, अलौकिक है, अमृत है, अद्वितीय है, अतुल्य है। शास्त्रों में कहा गया है गाय के दूध के बारे में, गाय का दूध से बनी हुई घी, दही, छाछ के बारे में, लेकिन आजकल वैज्ञानिकों ने भी और ख़ास करके पश्चिमी वैज्ञानिकों, इन्होंने भी कहा है कि अपने देसी गाय का दूध, जिनको उन्होंने ए टू शब्द प्रयोग किया, और अपनी जो वहाँ की गाय, जो एचएफ गाय है, जो जर्सी गाय है, जो विदेशी गाय है, विदेशी की प्रजाति है, उनको उन्होंने उनकी गाय का दूध का नाम A1 कहा। ऐसा हुआ कि न्यूजीलैंड में ये A1 गाय का प्रचलन बहुत, डेयरी का उद्योग खूब है, वहाँ दूध की क्वांटिटी इतनी है कि वहाँ के सब लोग जो दूध पीते हैं, उनमें से वहाँ के साइंटिस्ट को पता चला कि अपने देश में कहीं ना कहीं ऑटिज्म, कहीं ना कहीं सेरेब्रल हेमरेज, कहीं ना कहीं मगज की बीमारियाँ, डायबिटीज टाइप 2, हाइपरटेंशन, सेरेब्रल पाल्सी, ऐसे बहुत से डिसीज वहाँ ज़्यादा दिखाई दिए, और ख़ास करके बच्चों में भी। न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट के ध्यान में आया कि उनकी गाय के दूध में जो प्रोटीन है, और प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड की जो चेन होती है, उसमें 67th नंबर पर हिस्टिडीन और प्रोलिन नाम का जो तत्व होता है, उनकी गाय में ये हिस्टिडीन पाया गया, और वो हिस्टिडीन जब पेट में जाता है, जब स्टमक में गया, तो वहाँ उनका कन्वर्जन हुआ केजोमोर्फिन में, और उनको पाया गया बीटा केजोमोर्फिन 7 BCM7 नाम का टॉक्सिन। वो टॉक्सिन से ये सब डिसीजी, ये जो मैंने बताए ऐसे रोग वहाँ के बच्चों में, वहाँ के एडल्ट्स में, वहाँ की जनता में पाए गए। और जब उन्होंने कंपैरिजन किया, व्हाट अबाउट भारतीय गाय, जो भारतीय गाय वहाँ गई है, अमेरिका में है, ब्राज़ील में है, अब तो हर जगह है, अपने गिर गाय, थारपारकर, साहिवाल गाय, तो उनके प्रोटीन में जब पता चला कि उनके दूध में जो प्रोटीन है, उसमें वहाँ प्रोलिन है, और प्रोलिन का कन्वर्जन होता नहीं है, इसीलिए वो नॉन टॉक्सिक रहा, तो ये बताता है, उन्होंने इसीलिए उनका नाम दिया A2 मिल्क, और अपनी गाय का, वहाँ की अपनी गाय का नाम दिया A1 मिल्क, यानी कि ये जर्सी और HF का। और उन्होंने वहाँ बड़े पैमाने में एवन एक बुक भी लिखी, आगे बढ़े तो पार्लियामेंट में भी गए, ये बात हुई, और उन्होंने एक पारित किया प्रस्ताव कि अब हम धीमे धीमे अपनी जो A1 गाय है, जो HF जर्सी है, उनका दूध कम करते जाएंगे, और आने वाले दिनों में ये A2 मिल्क को बढ़ा देंगे, और A2 मिल्क कॉरपोरेशन भी बनने लगे। हम ये कहना चाहते हैं कि ये बात जब आज प्रूव हुई है, तो हमें अपनी देसी गाय का दूध का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, देसी गाय का दूध का आहार लेना चाहिए, और उससे एक स्वस्थ जीवन प्रणाली, स्वस्थ जीवन शैली हम कैसे अपनी नई जनरेशन में, अपनी पूरी भारतवर्ष में, अपनी जनता के लिए प्रदान कर सके, इसीलिए ये A2 मिल्क का प्रचार प्रसार हो, A2 मिल्क का हम उपयोग करें, A2 मिल्क से बनी हुई प्रोडक्ट का उपयोग करें, और अपनी देसी गाय के बढ़ावे में हम सब प्रयासरत रह करके अपनी देसी गाय, अपनी जो प्रजाति है, उनको, उनका संरक्षण, संवर्धन और उनका पालन करने में हम सब सहयोग दें।